अस्सलामु अलैकुम। ये जमात दोयम के मज़मून उर्दू अदब का सबक नंबर एक है। बच्चों, आपको खाने में बहुत सी चीज़ें पसंद है ना? आपको पता है कि अच्छी ग़िज़ा कौन सी होती है? बच्चों, आज हम जो नज़्म पढ़ेंगे उसका नाम है अच्छी ग़िज़ा। बच्चों आइए नज़्म पढ़ते हैं। अच्छी ग़िज़ा। ग़िज़ा से ही पाता है ताकत दिमाग, के सारे बदन की है दौलत दिमाग। बच्चों आपको पता है कि जो दिमाग है वो क्या करता है? हमारे सारे जिस्म को कंट्रोल करता है, उसे चलाता है। हम जैसे चलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, ये सारे काम कौन कंट्रोल करता है? दिमाग कंट्रोल करता है। अगर दिमाग ना हो तो ये सारे काम नहीं हो सकते। इसलिए जो शायर हैं, जिसने ये नज़्म लिखी है, वो कहते हैं कि हम अगर अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, मसलन फल, सब्ज़ियाँ, ताज़ा दूध, दही, अंडे, मक्खन, तो क्या होगा? हमारा दिमाग भी अच्छी तरह काम करेगा और हम सेहतमंद तंदुरुस्त रहेंगे। बहुत तुम जो अच्छी ग़िज़ा खाओगे तो राहे तरक्की पे भर जाओगे। अच्छी ग़िज़ा खाने से क्या होगा? हम तंदुरुस्त भी रहेंगे और क्या होगा, हम मेहनत करके अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं। ग़िज़ा में हो हर फसल की सब्ज़ियाँ, के हैं फ़ायदे जिनके सब पर एयां। एयां कहते हैं ज़ाहिर को। इसमें जो शायर हैं वो कहते हैं कि अच्छी ग़िज़ा से क्या होता है, जिसमें हर तरह की, हर मौसम की सब्ज़ियाँ शामिल हैं, इनको खाने से हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं, जो कि एक सब्ज़ी खाने से फ़ायदा नहीं हो सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर किस्म की सब्ज़ी खाएं। जैसे अगर हम दाल खा रहे हैं तो हर तरह की सब्ज़ियाँ भी खाएँ। आगे, फकत गोश्त पर मत गुजारा करो, अनाज और दाने भी खाया करो। इसमें जो शायर हैं वो कहते हैं कि हमें सिर्फ गोश्त नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ गोश्त खाएंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अनाज और दालें भी खाएं। इससे हमारे जिस्म को क्या होगी, ताकत मिलेगी और वो तंदुरुस्त व सेहतमंद होगा। ग़िज़ा से बड़े हैं समंदर तमाम, ज़मीन पर भी है इस किस कदर एहतमाम। आपको पता है कि ज़मीन पर अल्लाह ताला ने तरह तरह के सब्ज़ियाँ, फल, अनाज और जानवर हमें खाने के लिए दिए हैं। इससे हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है। इसी तरह समंदर में भी बहुत सी क्या होती हैं, मछलियाँ वगैरह होती हैं, जिससे क्या होता है, हम जब खाते हैं तो हमें सेहत मिलती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं। आखिरी शेर देखें, लगाओ ना तुम गंदी चीज़ों को हाथ, के बीमारियां हैं बहुत उनके साथ। बच्चों ये हमारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि कुछ भी खाने पीने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, हम जब गंदी चीज़ों को हाथ लगाते हैं तो हमारे साथ बहुत से जरासीम लग जाते हैं और हमें इन जरासीम की वजह से बीमारियां लग जाती हैं। इसमें शायर हमें नसीहत करते हैं कि हम जब भी कुछ खाने पीने की चीज़ें हाथ लगाने लगें तो क्या करें, हाथ धो लें और फिर कुछ खाएं, ताकि हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकें। ये नज़म अनवर सिद्दीकी ने लिखी है, जो कि इस नज़म के शायर हैं। आइए एक बार फिर नज़म पढ़ते हैं। ग़िज़ा से ही पाता है ताकत दिमाग, के सारे बदन की है दौलत दिमाग। बहुत तुम जो अच्छी ग़िज़ा खाओगे तो राहे तरक्की में भर जाओगे। ग़िज़ा में हो हर फसल की सब्ज़ियाँ, के हैं फ़ायदे जिनके सब पर एयां। फकत गोश्त पर मत गुजारा करो, अनाज और दालें भी खाया करो।
रिजा से भरी है समंदर तमाम, जमीन पर भी है किस कदर एहतमाम। लगाओ न तुम गंदी चीज़ों को हाथ, के बीमारियां हैं बहुत उनके साथ। बच्चों, अभी आपने इस नज़्म को पढ़ना सीखा है, अब इसे अपनी नोटबुक में खुशखत लिखिए और उसके बाद इस नज़्म को याद करें। शुक्रिया।